नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फर्स्ट वीडियो में। सभी केंद्रीय कर्मचारियों, फौजी जवानों और पेंशन भोगियों के लिए आज की तीन जबरदस्त खबरें। तीनों की तीनों खबरें हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारी पहली और बड़ी खबर, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत आर्मी कैंटीन में इंपोर्टेंट आइटम की खरीद पर रोक लगा दी गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानी CSD को 422 आइटम्स की लिस्ट दी गई है और निर्देश दिए गए हैं कि इन आइटम पर परचेज ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा चीन के आइटम हैं, 422 में से करीबन 230 चाइनीज आइटम हैं, जबकि 16 आइटम ऐसे हैं जो चीन के अलावा दूसरे देशों में भी बनते हैं, लेकिन इन पर भी सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। वही दोस्तों, हमारी अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ये लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है 1 दिसंबर 2020 को। दोस्तों, DOPT के इस आदेश के माध्यम से बताया गया कि 1 दिसंबर 2020 को ये जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा भत्ता उनके घर से ऑफिस तक आने के दौरान हुए खर्च की भरपाई के लिए दिया जाता है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों ने अगर अपने घरों से ही काम किया है और वे ऑफिस नहीं आए हैं तो उन्हें वह पूरे महीने का यात्रा भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश को लॉकडाउन किया गया था। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर से लेके केंद्रीय कर्मचारियों को भी घरों से ही काम करने को कहा गया था। ऐसे में अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और कोरोना लॉकडाउन के दौरान ऑफिस ना जाकर वर्क फॉर होम किया है तो आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। DOPT ने ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये थी हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर एक लेटेस्ट खबर कि अगर आपने कोरोना काल में घर से ही काम किया है, ऑफिस नहीं गए हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाएगा। उसी को लेकर सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। वही हमारी अगली और बड़ी खबर, हमारे जितने भी पेंशन भोगी है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भिकाजी कामा प्लेस की तरफ से ये लेटेस्ट प्रेस रिलीज जारी की गई है। और दोस्तों, इस नोटिस के माध्यम से सभी केंद्रीय सिविल पेंशनरों को ये सूचित किया जाता है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय एक पेंशन अदालत का आयोजन करने जा रहा है 28 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसीलिए सभी सेंट्रल सिविल पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, रेलवे, डिफेंस पोस्ट और टेलीग्राफ को छोड़कर CPO की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएँ या ईमेल के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी पेंशन में जो भी आपकी शिकायतें वगैरह हैं वो 18 दिसंबर 2020 से पहले पहले आपको शिकायत दर्ज करवानी होगी और जो शिकायत के लिए आपकी जो भी पेंशन में प्रॉब्लम है उसके लिए आपको एक प्रारूप भी दिया जाएगा, वो जो CPO की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आपकी शिकायत का समाधान पेंशन अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 28 दिसंबर 2020 को आयोजित पेंशन अदालत में किया जाएगा। आगे इन्होंने कहा कि अपनी शिकायत के साथ अपने PPO नंबर, खाता संख्या, अपना एड्रेस वगैरह और टेलीफोन नंबर का उल्लेख भी ज़रूर करें और आप अपनी शिकायत डाक के माध्यम से भी हमें भेज सकते हैं। तो जो भी हमारे सभी सेंट्रल सिविल पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जिनकी पेंशन संबंधी कोई भी शिकायत है तो इस पेंशन अदालत में भाग जरूर लें और अपनी समस्या का समाधान जरूर पाएं। तो ये थी आज की तीन बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी।